mush. तो सभी को नमस्कार, मेरा नाम है जुवेश कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं डिफेंस अड्डा 24/7, जिस पे मैं आपको डेली शाम को CAPF के असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एक लेक्चर देता हूं। आज का जो लेक्चर है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ऊपर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आशा करता हूँ मेरी आवाज़ आप सभी लोगों को साफ सुनाई दे रही हो। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, जरा मैं देख लेता हूँ आप लोगों। ओके, तो चलिए अब मेरी आवाज़ आप सभी लोगों को साफ सुनाई दे रही है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इस पे कई प्रकार से आपसे प्रश्न को पूछा जाता है, ठीक है। अब ये अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, तो ध्यान रखो पृथ्वी ना अंदर से बहुत ठोस है। तो जैसे जैसे पृथ्वी के हम डीपर जाते हैं तो उसका जो है ना प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो अर्थ के अंडर जाने पर ना डेंसिटी तो ज़्यादा हम खोद नहीं सकते, ठीक है। अगर आप देखें तो अर्थ का ये कुछ इस तरीके का इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है तो अर्थ का जो 83% पार्ट है ना, वो आपका जो पिघली हुई चट्टान है जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, उससे बना हुआ है। इस ये अर्थ की एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल के नाम से जानते हैं। अर्थ की इस लेयर को किस नाम से जानते हैं, मेंटल के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर देखो, द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर विच आर नोन एज क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। जो अर्थ है उसकी कई सारी लेयर है, ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है और फिर आपका जो मेंटल है, ठीक है, और मेंटल है फिर क्रस्ट है। तो ये अर्थ की लेयर है। इस तरीके से अगर देखें तो मैं यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट कर देता हूँ कि कौन सी लेयर कौन सी आपकी मानी जाती है। सो ये जो है सबसे बाहर की लेयर, ये आपका क्रस्ट है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं भूपरपलटी। फिर ये जो है आपका मेंटल है और ये आपकी लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि अर्थ के भीतर यानी अगर हम इनसाइड द अर्थ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण आपका क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण आपका ये मोल्टन स्टेट में। लेकिन अगर हम बात करें कोर ऑफ अर्थ, ये हो गई आपकी आउटर कोर और ये हो गई आपकी इनर कोर, ठीक है, दिस इज इनर कोर। तो आउटर कोर और जो हमारी इनर कोर है, स्पेशली इनर कोर, ये पूरी तरीके से सॉलिड स्टेट में है। ओके, ये पूरी तरीके से आपका कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। क्यों, क्योंकि इस पे इतना प्रेशर बढ़ रहा है कि यहाँ पर 6000 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। कितना टेम्परेचर है यहाँ पर, 6000 डिग्री। और 6000 डिग्री टेम्परेचर होने की बावजूद ये आपका कैसे सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में क्यों, क्योंकि इस पर इतना प्रेशर यहाँ पर सभी लेयर्स का पड़ता है कि इसको एक्सपेंड करने के लिए, फैलने के लिए आपका स्पेस ही नहीं मिलता है। ओके, यहाँ पर इसको फैलने के लिए स्पेस ही नहीं मिलता है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये अर्थ की जो लेयर है वो सारी मैंने डिफ्रेंशिएट करके आपको बताई, आई होप आप समझ गए होंगे। अब सबसे बात पहले करते हैं हम किसकी, क्रस्ट की। मैं अभी देखो क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। तो क्रस्ट जो है आउटर मोस्ट लेयर है, देखा जाए तो 1% है पूरे अर्थ का। क्रस्ट अगर देखा जाए तो 1% है पूरे अर्थ का, 0. अच्छा, और ध्यान रखिएगा इसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो कितनी है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वहीं अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी है, ध्यान रखिएगा, एवरेज डेंसिटी जो है अर्थ की 5.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और जो इसकी थिकनेस है हमारी क्रस्ट की, वो 5 to 30 किलोमीटर्स है। कॉन्टिनेंट में 30 किलोमीटर है, सी सरफेस पे ये आपका कितना है, या सी बेड पे 5 किलोमीटर है। हिमालय के नीचे सबसे मोटी है जो आपकी कितनी है, 250 किलोमीटर। हिमालय में इसकी जो आपकी थिकनेस है वो कितनी है आपकी, 250 किलोमीटर्स तक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मूव करते हैं हम, इसके बाद जस्ट आपका क्रस्ट के नीचे आपकी एक सेमी सॉलिड लेयर आती है, इसको बोलते हैं एस्थिनोस्फेयर। जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, वो इस एस्थिनोस्फेयर पे फ्लोट करते रहते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, और इन्हीं के कोलिजन की वजह से आपका अर्थक्वेक आता है। आपका क्रस्ट और एस्थिनोस्फेयर को मिला के हमारा क्या बनता है, लिथोस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं भूमंडल। तो एस्थिनोस्फेयर ये आपका
80 to 200 किलोमीटर की डेप्थ पे होती है। ये एक हाईली विस्कस मतलब सेमी सॉलिड होती है, वीक होती है, डक्टाइल होती है, और लेकिन ये फ्लोट करती रहती है मेंटल के ऊपर, और इन्हीं के ऊपर आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट भी फ्लोट करते हैं। इस तरीके से आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती है, और इनके आपस में टकराने से आपका क्या होता है, सुनामी और अर्थक्वेक आता है। ध्यान रखिएगा, इसमें 7 मेजर प्लेट हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिकन प्लेट 1, साउथ अमेरिकन प्लेट 2, पैसिफिक प्लेट 3, ओके अफ्रीकन प्लेट 4, यूरेशियन प्लेट 5, ऑस्ट्रेलियन प्लेट 6 और अंटार्कटिक प्लेट 7। और 7 ही आपकी क्या है, माइनर प्लेट्स हैं, कोको प्लेट 1, ओके कोको प्लेट आपका ये देखिए कोको प्लेट 1, जीन डी फूका प्लेट 2, नजाका प्लेट 3, कैरेबियन प्लेट 4, अरेबियन प्लेट 5, इंडियन प्लेट 6, फिलिपिन प्लेट 7। तो 7 मेजर प्लेट्स हैं और 7 माइनर प्लेट्स हैं। इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेगा, ओके यस हिमांशु, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये तो आप लोग सुबह वाला सेशन और अभी आप देख लीजिएगा, अभी ही रिपीट हो जाएंगे आपको, अभी मैं दिखा दूंगा। अच्छा, उसके बाद जब जो क्रस्ट है और जो मेंटल है, इनमें जो डिफरेंस है ना, वो डेंसिटी के बेसिस पे कर रहा था। तो जब डेंसिटी चेंज होती है तो उस प्लेस को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो आपका अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में जब डेंसिटी का डिफरेंस आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहोविक डिसकंटिन्यूटी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आती है आपकी मेंटल। मेंटल जो है आपका, ध्यान रखिएगा, ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर, ये आपका क्या है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। कैसे है, लिक्विड स्टेट में। और पूरी अर्थ का वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो 83% है, पूरी अर्थ का वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो 83% है, और आपका डेंसिटी वाइज देखा जाए तो 67% है। भाई सेशन को आप सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, बस एक छोटा सा आपसे ये एक रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसकी जो डेप्थ है आपका एस्थिनोस्फेयर के बाद 2900 किलोमीटर है, और इसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 3.3 पर सेंटीमीटर क्यूब तक होती है, ओके। लोअर मेंटल जो है आपका एस्थिनोस्फेयर से आपका शुरू होती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आउटर कोर, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, आपका जो है इसके बाद आपका जो आता है मेंटल के बाद आपका आता है आउटर कोर। इसकी जो डेप्थ है 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर है, और ये जो कोर है, ओके, ये आपकी किससे बनी होती है, नाइफ यानी निकल और फेरस से बनी होती है, वैसे तो पूरी कोर ही बनी होती है, और ये थोड़ा सेमी सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब इस कोर के चारों ओर ना ये जो लिक्विड मेंटल है ये इस तरीके से रिवॉल्व करती है, और इससे क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और अर्थ ना एक चुंबक की तरह बिहेव करती है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। ये आप जो देख रहे हो ना, ये कल एटमॉस्फेयर में आपको पढ़ाऊंगा, सन से ना गैसेस का एक्सप्लोजन होता है जिसको बोला जाता है सोलर स्टॉर्म, ठीक है। तो अगर ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो अर्थ पर लाइफ हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि अगर सोलर स्टॉर्म जो आएंगे तो वो ऐसा फील कराएंगे जैसे आपका अर्थ को एक फायर ब्लोअर के आगे रख दिया हो, ठीक है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलर स्टॉर्म से बचाता है, और इससे ना एक इवेंट होती है जो आपको नॉर्दर्न और साउथ पोल पर देखने को मिलते हैं, इसको ध्रुवीय ज्योतियां यानी ओरोरा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी इनर कोर। इनर कोर जो है आपका 5100 किलोमीटर से आपका 6371 किलोमीटर तक होता है, और ये सॉलिड है, देखो इट इज इन सॉलिड स्टेट इन स्पाइट ऑफ हाई टेम्परेचर ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर ऑन इट। तो ये जो आपका जो कोर है ये बिल्कुल आपका सॉलिड स्टेट में पड़ता है। अब यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी देखिए, और इस पर क्वेश्चन आया, देखो आपका ये अर्थ है, यहाँ पर इसको, इस जो चीज मैं अब लिख रहा हूँ ना, आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इस तरीके से आपको तीन सेक्शन बनाने, क्रस्ट, मेंटल, ठीक है, एंड कोर, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए एक चीज, जो क्रस्ट है पूरी अर्थ का और मेंटल और कोर, जो मेंटल है वॉल्यूम वी से वॉल्यूम पूरी अर्थ का कितना 83% है, और डेंसिटी वाइज कितना है 67% है। वहीं कोर वॉल्यूम वाइज आपका कितना है, वॉल्यूम वाइज 16% है, लेकिन ये आयरन का बना हुआ है, डेंसिटी वाइज आपका कितना है 32% है, ठीक है। और बाकी ये क्रस्ट जो है आपका वॉल्यूम
और डेंसिटी दोनों आपका इसका 1-1% है। क्रस्ट आपका बना होता है सियाल आपका सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। किसका? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। आपका मेंटल जो बना होता है वो होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और कोर जो आपका बना होता है निकल और आयरन का बना होता है, ठीक है। नाइफ इसके सीमा सियाल सीमा नाइफ, इस तरीके से आप याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद अगर देखें तो आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी आपका क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है, और आपका गुटनबर्ग, ठीक है, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आपका कोर और मेंटल को एक दूसरे से अलग करती है, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। लेकिन अगर आप यहाँ पर आगे देखें, आपका अपर क्रस्ट, ठीक है, अप, अरे ये यहाँ पर क्यों नहीं चल रहा, ओके अप एक सेकेंड, ओहो ठीक है एक सेकेंड, ओके अगर आप यहाँ पर देखो अपर क्रस्ट, ठीक है एक सेकेंड, ओके यहाँ पर अगर आप देखो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ठीक है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो कौन सी है, ऊपर देखो सबसे कोनॉर्ड, ठीक है कोनॉर्ड डिसकंटिन्यूटी है। डिफरेंस मेंटल में अगर देखा जाए अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इसमें कौन सी आती है आपकी रेप्टी, ठीक है रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। और अगर कोर को देखा जाए आउटर कोर और इनर कोर, तो यहाँ पर आपका कौन सा पड़ती है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब इस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो है CDS में पूछा गया था। यहाँ पर ये पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, आंसर दो इस क्वेश्चन का क्या होगा। सॉरी NDA में पूछा गया था ये, ठीक है NDA पिछले साल जो NDA फर्स्ट एग्जाम हुआ था, ओके व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके कोई बता सकता है इसका आंसर? अरे मोनो मिश्रा जी आप तो आगे से आगे बताते हो हमेशा, बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा। ओके शाबाश, ओके व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे इनर मोस्ट, तो सबसे इनर मोस्ट कौन सी है, यहां पर क्या पृथ्वी के अंतरिम, तो यहां पर ये लेहमन डिसकंटिन्यूटी होगी ना बेटा, ऑप्शन नंबर डी होगा ना। ये देखो इधर लेहमन आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, ठीक है उसी तरीके से आपसे ये NDA 2022 में पूछा गया था कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है, तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है, आपको मोहो डिसकंटिन्यूटी। आप में से एक बच्चा पूछ रहा था रिपीटेड क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आपके रिपीटेड क्वेश्चन कैसे हैं, ओके इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हों, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, जी हाँ प्रधान भटनागर, सॉरी प्रथम भटनागर आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ओके तो यहाँ पर देखो आपका क्रस्ट और मेंटल को कौन करता है, आपका मोहर डिसकंटिन्यूटी। अभी तो आगे और है लिथोस्फेयर, अभी आपको मैंने बताया लिथोस्फेयर, तो क्रस्ट और अपर मेंटल को आपका क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल, जिसको हम भूमंडल बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपको मैं कराता हूँ ना एक एक क्वेश्चन, तो आपको उसमें आता है, तो ये आपका मेंटल अपर मेंटल और क्रस्ट, इसी को ही तो लिथोस्फेयर बोलते हैं। अब इसमें से कौन सी लघु प्लेट है, प्लेट के बारे में आपको मैं पहले बता दूं ये प्लेट का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अभी तो आपको मैं बहुत सारी चीज़ें कराऊंगा, प्लेट का कंसेप्ट मैं करा दूं अभी आगे। ये देखो यहाँ पर ये कोनॉर्ड डिसकंटिन्यूटी मोहो डिसकंटिन्यूटी, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरी PDF बहुत ही जानदार होती हैं, मैं सबसे ज़्यादा टाइम लगाता ही इन तरीके के चित्र वित्र लगाने में, ओके इसी में टाइम लग जाता है मेरे को। एक सेकंड, ये ना इसमें एक वीडियो लगा रखे हैं मैंने, आपको मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है ये है अल्फ्रेड वैगनर, ठीक है ओके अल्फ्रेड वैगनर, इन्होंने एक दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आप में से ये पूछ रहे होंगे ना प्लेट्स क्या होते हैं, तो इनका ये कहना था कि भाई जो भी हमारे कॉन्टिनेंट है ना जितने भी, वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसको क्या बोला जाता था पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट, और एक बड़ा ओशन होता था पैंथालासा, और
ओशन में एक टेथिस ही था। कई बार आपने पढ़ा होगा ना कि हिमालय जो है वो टेथिस सी के ऊपर बने, तो ये जो इंडिया का पार्ट है टकरा के तो बना है, अभी आपको पता लग जाएगा। तो इसके ऊपर वाले पार्ट को लोरेशिया बोला जाता था, नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड। ये जो हमारा इंडिया का पेनिनसुला है ना, गोंडवाना लैंड का पार्ट है ये पेनिनसुलर, महाराष्ट्र तमिलनाडु ये सबसे निचला, उड़ीसा वगैरह ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, तभी यहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तभी यहाँ पर क्या पाए जाते हैं आपके, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है कि आपका ना ये जो आपका थे पेंजिया और पेंथ, ओके पेंजिया इसको बोला जाता था, अर्थ के रोटेशन के कारण ना ये क्या हो गया, एक दूसरे से सेपरेट हो गया। ठीक है, ओके ये 200 मिलियन ईयर अगो की पहली बात है। सबसे पहले आपका ओके लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बना, ठीक है, और फिर ये मूवमेंट होके आज की डेट में आ गया है। ठीक है, इस तरीके से ये आज की डेट में ये आ गया। आई होप ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आप समझ गए होंगे। ठीक है, ओके एक वीडियो और देखो आप लोगों के लिए, मैं बहुत अच्छे समझ के लाया हूँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। तो ये देखो ऐसे हिमालय, तभी तो हिमालय को नो न्यू फोल्डेड माउंटेन हम बोलते हैं। ओके ये सब पहले एक दूसरे से कनेक्टेड था, देखिए इस तरीके से। ये मैंने रिवर्स में वीडियो आपके लिए लगा रखी है ताकि आप लोग इसे अच्छे से कर सकें। ओके और अफ्रीका और साउथ अमेरिका को, इनको मिरर कॉन्टिनेंट बोलते हैं क्योंकि एक दूसरे से बिल्कुल आपका ये सेम कॉन्टिनेंट है, इस तरीके से थे। और ये आपका जब टकराया गोंडवाना लैंड का हिस्सा ये यूं, तभी तो जाके आपका हिमालय बना, तभी तो आपका जाके हिमालय बना। ओके ये देखिए इस तरीके से, और ये आपका टकराया, इसी वजह से हिमालय तो न्यू फोल्डेड माउंटेन इसी वजह से तो कहा जाता, और ये आज की डेट में आपकी प्लेट है। और इन्हीं के टकराने के कारण आपका क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आपके वर्ल्ड में कहाँ आते हैं, जापान के पास आते हैं ना। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक हैं आपके वर्ल्ड में कहाँ पे आते हैं, जापान में आते हैं। उसका रीज़न पता है जापान में क्यों आते हैं सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक? ठीक है, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जापान में आने का जो रीज़न है ना, वो ये है कि जो जापान है ना वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई सारी प्लेट एक दूसरे से टच करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं जिसको। इस वजह से जापान में सबसे ज़्यादा आपके क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि सारी प्लेट आपकी यहाँ एक दूसरे से टच है, आपस में टकराती रहती है, इस वजह से आपका अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा अर्थ के इंटीरियर, पहले एक क्वेश्चन देखो इन पर कैसे पूछा गया प्लेट्स पर। ओके ओके और एक चीज़ एक है यहाँ पर, एक आपको मैं बता दूँ, अगर अर्थ की क्रस्ट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है ऑक्सीजन, लेकिन अगर होल अर्थ में कभी आपसे पूछा जाए तो होल अर्थ में आयरन है। ये सुबह मैंने इस क्वेश्चन कराया था, ओके ये मैंने आज आपको सुबह क्वेश्चन भी कराया था, ध्यान रखिएगा। आप में से अगर सुबह किसी ने, कल इंडियन पॉलिटी का सेक्शन कराऊंगा, चाहे आप CAPF के लिए प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे आप CDS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो नेक्स्ट, आपको दोनों ही एग्जाम में ये बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, तो 7 मेजर प्लेट हैं और 7 माइनर प्लेट हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर प्लेट। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके नॉट ए माइनर प्लेट यानी मेजर प्लेट, तो जितने भी कॉन्टिनेंट है ना वो मेजर प्लेट में, अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है तो अंटार्कटिका क्या हो गया, अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है ना, तो अंटार्कटिका क्या हो गया, एक मेजर प्लेट हो गया, क्योंकि यहाँ तो ये पूछा गया ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर प्लेट, नॉट ए माइनर प्लेट यानी वो मेजर प्लेट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ये आपका क्या है, मेजर प्लेट हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर दूसरी तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो खैर रिपीट हो गया क्वेश्चन, स्थल मंडल की गहराई सबसे ज़्यादा कहाँ, तो पैसिफिक ओशन में। ठीक है, ये आपकी है मरीना ट्रेंच, इसमें तो आप हिमालय को भी अगर डुबा दो तो वो भी डूब जाएगा। ये ट्रेंच बनती है आपका सबड्यूशन के कारण, आपके पेपर में ये भी पूछा था कि सबडक्शन किसे कहते हैं। ओके ये जो है ट्रेंच इस तरीके से, और ये मरीना ट्रेंच है, इसकी जो टोटल डेप्थ है 10,911 मीटर, वहीं आपका अगर देखा जाए तो एवरेस्ट 8848 मीटर के इक्वल है। लिथोस्फेयर, ये तो आपको अभी मैंने करा दिया, देखो अपर मॉल, देखो दोबारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, लैंग्वेज चेंज कर दी है, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम पता इन्फॉर्मेशन किससे लेते हैं, हम लेते हैं अर्थक्वेक वेव्स, ये 3 अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, पी वेव, एस वेव्स और आपका
सरफेस वेव, तो अर्थक्वेक वेव्स को आप समझ लो अर्थ के जो इनसाइड द ऑफ अर्थ हम जो स्टडी करते हैं वो अर्थ के, तो सेस्मिक वेव्स के, तो ये दो तरीके की होती है, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। ये जो होती है ना सरफेस वेव, भूकंप आने पर सबसे ज़्यादा यही लोगों को नुकसान पहुँचाती है, ठीक है। और ये आपकी बॉडी वेव्स हैं, ओके, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। तो सबसे पहले जो आपका वेव्स होती हैं वो आपका कैसे इमर्ज होती हैं, ये एक हाइपोसेंटर होता है एक एपिक सेंटर होता है, तो कहीं पर भी आपका प्लेटें आपस में एक दूसरे से कॉलिजन करते हैं उसे हाइपो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो असर होता है वो आपका कहाँ होता है, एपिक सेंटर। तो कई बार पूछा जाता है कि एपिक सेंटर अर्थ सरफेस पे होता है, तो वो ध्यान रखिएगा जहाँ पे भी वो कॉलिजन होता है ठीक उससे 90 डिग्री पे आपका एपिक सेंटर होता है, ओके। तो सबसे पहले पी वेव, ये पी वेव जो है अर्थ के इंटरनल में ट्रेवल करती हैं, ठीक है। तो पी वेव और ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती हैं, तो जब भी ये अर्थ के बीच में से गुजरती हैं तो डेंसिटी के कारण इनकी स्पीड में चेंज आता है, तो उससे अर्थ के डेंसिटी का हमें पता लगता है। ये पी वेव इस तरीके से आपका क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं, ठीक है। पी वेव इस तरीके से आपका ट्रेवल करती हैं, ओके। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए हो। फिर उसके बाद अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को जो मेजर किया जाता है वो किससे मेजर किया जाता है, तो इंटेंसिटी को ध्यान रखिएगा आपका मर्सली से। और अगर पूछा जाए मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड कि कितने फोर्स से आया, तो वो आपका जो है रिक्टर स्केल से उसको मेजर किया जाता है। आवाज़ नहीं आ रही है मेरी, ठीक है, तो देखता हूँ एक बार आवाज़। वैसे मेरे को ख्याल से आवाज़ तो सही आ रही है, वो स्केल से उसको मेजर किया जाता है। आवाज़ क्या आ गए मैं तुम्हारे, आवाज़ नहीं आ रही है मेरी, आवाज़ तो सही आ रही है यार, देखता हूँ एक बार। अब एक बार बंदा YouTube में कई बार ना ग्लिच आ जाता है, ठीक है, YouTube में कई बार ना ग्लिच आ जाता है कि आपका आवाज़ ना कम सुनाई देती है, तो एक बार YouTube ओपन करके दोबारा से कर ले करो, ठीक है। तो आपका मर्सली स्केल, ठीक, तो आपका जो मर्सली स्केल है इससे इंटेंसिटी मेजर की जाती है अर्थक्वेक की, ये 1 से लेके 10 तक का स्केल होता है, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड है कि कितनी तेज आया वो आपका 1 से लेके 9 तक होता है, ये आपका रिक्टर स्केल। फिर जो तूफान आता है ना हवा का, बवंडर हम इसे बोलते हैं, ओके, वो आपका सैफिर सिम्पसन हरिकेन, हाँ बिल्कुल यूट्यूब में ग्लिच हो जाता है तब आती है आपकी, तो ये आपका जो हरिकेन आता ना उसको सैफिर सिम्पसन स्केल, ये भी आपसे मे बी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और जो आपका फुजीता स्केल है तो वो जो आता है ना आपका साइक्लोन, उसको इसमें मेजर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन थे, बाकी आप इस तरीके से डिटेल वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे संकल्प बैच, इसी तरीके से मैं टॉपिक वाइज कराता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। Y191 डिस्काउंट कोड को यूज़ करके 77% पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको Adda247 की वेबसाइट पे जाना होगा, ठीक है, या इसी एप्लीकेशन में दिए गए लिंक पर Adda247 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इंडियाज़ लार्जेस्ट एडटेक के वेबसाइट पे पहुँचते हैं Adda247। एप्लीकेशन के थ्रू भी आप जा सकते हैं CAPF। यहाँ पर ध्यान रखिएगा मैं आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी और जो बच्चे बाद में ज्वाइन करते रहेंगे उनको रिकॉर्डेड मिलती रहेगी, ठीक है, क्योंकि 4 अगस्त को पेपर है और कोर्स कंप्लीट करने में 2 महीने का लस समय लगता है, क्योंकि मैं इसमें पॉलिटी और आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। और ध्यान रखिएगा इस बैच में ना आपको ना एक प्रॉपर स्टडी प्लान, क्योंकि देखिए कितनी सारी फैकल्टी हैं आपकी, डेली एक हिस्ट्री की क्लास होगी, एक पॉलिटी की क्लास होगी, एक इंग्लिश की क्लास होगी, एक रीजनिंग की क्लास होगी, एक साइंस की क्लास, तो 5 घंटे के तो आपको इस तरीके से एंगेज और साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। यहाँ पर ये आपको बैच मिल रहा है 2996 का, लेकिन अगर आप कोड यूज़ करते हैं Y191 और अप्लाई करते हैं, ठीक है, Y191 और अप्लाई करते हैं तो आपको ये 2756 में मिल जाएगा, ओके। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप CDS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सॉरी CAPF की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और ये बैच आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप CDS और CAPF दोनों के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि CDS का भी एग्ज़ाम आपका 1st of September को। तो आज के लिए तय, मिलते हैं आपसे कल इसी समय, एटमॉस्फेयर एंड विंड सर्कुलेशन आपको करूँगा। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।